सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों से ज़्यादा ताज़ियत करते हैं, आपके दोस्त आपके साथी हमारे होंगे की ये बात शेर साहब से भी कही, पहले भी कही कि जो शख्स चला गया है उसकी वापसी का तो कोई हम इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके कातरों को पकड़ा जाए, उसको करा बाकी सजा दी जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए ताकि उनकी आगे की जिंदगी आसान हो जाए, मुश्किल भी कम हो जाए, और इस किस्म के कुछ इकदाम किए जाए कि आने वाले दिनों में दोबारा कोई ऐसा वाक्य अंजाम हो। जो देश में डेवलपमेंट है, मैं तो कम अज़ कम जो भी हूँ मुझे पता है, इंशाल्लाह ने चाह बहुत जल्द एहतजाज आप कर रहे हैं, मैं वजीर इंकलाब होने के बावजूद समझता हूँ कि आपका एहतजाज जाहिर है और आपको ये एहतजाज करना भी चाहिए और इस एहतजाज को जारी भी रहना चाहिए। एहतजाज जारी भी होना चाहिए जब तक जो आपकी डिमांड्स हैं काफिल अमल है वो पूरी हो जाए। हुकूमत में होने की वजह से मेरे कहने भी शर्म की बहुत होती है, अल्टीमेटली इस मौसम की हमारी है, गवर्नमेंट की है, हम शहर में इस किस्म के वाक्य आ रहे हैं मुमकिन ना होने में, लेकिन अगर ऐसे वाक्य हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हमारी है कि डॉक्टरों को अपने और आने वाले दिनों में इस किस्म के वाक्य साहब ने मीटिंग्स की हैं काफ़ी ज़्यादा की है, कुछ उन्हें जो डिसीजन लिए गए हैं और जिसके नतीजे में कुछ एक्शन भी आपको नजर आए आने वाले दिनों में आपको मुझे नजर भी आई है। मैं निकलना चाहती हूँ जो डॉक्टर भाई की लड़कियाँ हैं वो हमारे लड़कियाँ हैं और यकीन मुझे अंदाजा है कि अगर घर का भाई कमाने वाला हो, भाई लड़की हो, इस तरह अचानक से दूर अभी चला गया है तो आगे की जिंदगी के लिए यकीन करना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि फैमिली की तस्वीर और इतमान के मुताबिक हम उन बच्चों के लिए करेंगे और उनकी पढ़ाई क्यों हमें सबसे ज़्यादा जिंदगी में है पूरा करने का समय होता है। मैं इस बात से भी इतफा करता हूँ कि आप के साथ या चीज़ें उनके साथ मशावरत के बाद तो ये सब मैकेनिज्म भी डेवलप किए गए हैं जिसके जरिए आप जो मशाद हैं उसको हम ख़त्म कर सकें या उनको कम से कम कर सकें। ये आप कोई भी अपने दो चार लोगों की कमी नहीं बना सकते हैं और वो गवर्नमेंट के साथ बात कर लें, हम अंदर ऑफिसर्स को इशार करेंगे और फिर इस तरह के इस्तेमाल हो जाएगा उस तरीके का अपने आगे बढ़ेगा। मुझे ये अंदाजा है कि फैमिली को कॉन्फिडेंस शायद दिया जा रहा है, होती है उसके बदल निकालना किया जाता है और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसके बाद जा रहे हैं हुकूमत मेरी सर पर गुजारिश होगी कि आप एहतजाज जरूर करते हैं, लेकिन इस तरह का मुस्तकिल एहतजाज ना रखें जैसे आप बैठे हैं तो आगे आ सकेंगे नहीं पूछेंगे नहीं, बिल्कुल आगे आप बैठे हैं, अगर आप आगे मुतमिन ना हो हमारे इकदाम से तो दोबारा भी कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट आप हमारी गुजारिश हुई दरखास्त है ख़त्म कर दें यकीन दहानी पर कि जो डिमांड्स आपकी हैं वो डिमांड को पूरा करने को तैयार हैं, बात करने की जरूरत है।
और हुकूमत में ये वाकया हो गए हैं, इस वजह से हमारी जो मौजूद पासवाले भी है किसे बोलना है। अभी फिर हमें बताया जा रहा है कि स्ट्रेस टेकिंग बढ़ा दी है, अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। मैं अभी भी समझता हूं कि कराची अपने लुटेरों के हाथ में, स्ट्रीट क्रिमिनल अभी भी मादर फिदर आजाद है और अदर मंदिर के आपके दरवाजों पर आकर दस्तक दे या वहां पर एहतजाजी मुजाहरा करें, जो मुलजिमान है उन्हें गिरफ्तार करें। हम यहां पर मौजूद हैं, अब फिर हिम्मत अमली बनाएंगे, हम आपके दरवाजों पर आएंगे। अब हम नहीं है बल्कि हमारे पास आगे बढ़ने का ऑप्शन है, अब पीछे जाने का ऑप्शन है। अगर आप ये कहते हैं कि पुराना रास्ता किसी की सदस्य ऐसा वाक्य हो जाता है तो उसके लिए चीज़ें तय कर लेनी चाहिए पहले से, इसके लिए क्या क्या किया जाएगा जायज़ बात पर इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद आपने पूरी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो मौजूद हों, उनके नुमाइंदे भी हों, पुलिस के अंदर भी इसके मैं तो कब जो बातें आप कह रहे हैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के तय कर रहे वो किस तरह से कर रहे हैं। हाँ कह रहा हूँ अगर कल सुबह भी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, आप अपनी मुशावरत के लिए हम कहना चाहते हैं आप लीजिए बस, जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त हम अवेलेबल हैं। तो आप क्या वो अब आपके ऊपर है, जब आप कहेंगे